नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की झांसी के नगर निगम के वो सभासद हैं जो बीते दिनों ही चुनकर आए हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, यह हम आपको सभासदों की जुबानी ही सुनाते हैं। यहाँ पर फिलहाल सभासदों ने जमकर नारेबाजी की है। आप देख सकते हैं लगातार महिला और पुरुष जो सभासद हैं यहाँ पर वह मौजूद हैं। इन लोगों ने किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया, आइए हम आपको सुनाते हैं। कल हमें आशीष रायकवार जी पार्षद जी का मैसेज मिला कि 15वें वित्त आयोग में वार्डों में काम नहीं है, क्योंकि 60 पार्षदों की एक समस्या तो है कि 4-5 महीने हो गए, जनता अपने कामों का ठीक रहा हम लोग के पास घर घर लेके रोज आती है। सुबह 6 बजे से 11-12 बजे तक हम लोग कभी कभी किसी को अति आवश्यक कार्य से जाना पड़ता है, तब भी नहीं जा पाते, क्योंकि जनता के कई कारण हैं, क्योंकि हम लोग बातें करके आए थे बाढ़ में, तो जो पैसा आया था पार्षदों की ये मांग थी सभी वार्डों में कुछ प्रमुख कार्य हो जाते तो जनता को ही लगने लगता कि काम शुरू हो जाए। क्योंकि 15वें आयोग में जैसे कल पेपर के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि वार्डों आइकॉनिक रोडों को, चूँकि आप ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में झांसी में ट्रैफिक और बढ़ेगा, चूँकि आपने देखा होगा आप बल्कि आइकॉनिक रोड बना के हम छोटा कर रहे हैं, चूँकि हमको रोड चौड़े करने चाहिए। जैसे मेडिकल पर हमको आज कितनी दिक्कत होती है, हम लोग कोई मरीज को लेके जाते हैं गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले सारी पार्किंगों को अपना कॉमर्शियल यूज़ में कर रहे हैं, अगर कोई और उसका भुगतान जनता भुगत रही है। अगर आप मरीज को ले जाओ आपकी गाड़ी टूचिंग करके वो ले जाएंगे, पता पड़ रहा आप जब मरीज के साथ लेके निकलते हैं तो आपके पास गाड़ी नहीं होती है। मुख्य समस्याएं पार्षदों की नहीं, झांसी की जनता की समस्याओं के लिए हम लोग बैठे हैं। हम लोगों की कोई समस्या नहीं है, हम लोग झांसी की जो जिस जनता ने हम सब लोगों को बेच के यहाँ प्रतिनिधि बना कर भेजा है, हम उसकी जन समस्याओं को मुख्य उनकी मांगों के लेकर यहाँ झांसी के जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ लोग बैठे हैं। जब तक कोई अधिकारी तो कम से कम पेपर के माध्यम से जिन अधिकारियों को इसको इम्प्लीमेंट करना है, महापौर जी कम से कम जनता को एक आश्वासन दें कि भाई हम लोग जल्दी से जल्दी सुनवाई कर लेंगे, क्योंकि एक नियम है हर माह कार्यकारिणी की बैठक, हर 2 माह में सदन की बैठक हो जानी चाहिए, क्योंकि 4 माह होने को आ रहा है एक बैठक नहीं है। अधिकारी सब अभी अपने घर पे हैं, अभी अधिकारी तो कोई है नहीं इस समय। ताला समस्त पार्षदों ने लगाया, महिलाओं ने लगाया, सारे पार्षदों ने लगाया। हम इस समस्या को लेकर, मैं नीता विकास यादव वार्ड नंबर 44 से, मेरे ही वार्ड में नगर निगम बना हुआ है। मैं चाहती हूँ कि पूरे क्षेत्र में इतना विकास हो कि उन्हें लगे कि हाँ विकास होना शुरू हो गया है। अभी तक 4 महीने हो गए, कोई विकास शुरू नहीं हुआ है पूरे वार्डों में। जैसे जो पैसा आया अखबार के माध्यम से ये जानकारी हुई कि फलानी रोड इस तरह से डल रही है, तो वो रोड आप डालें, हमें किसी रोड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसा आया है वार्डों के लिए 60 वार्ड जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ काम तो कराना शुरू करें आप। जहाँ जे नोटिस चिपका दिए इधर उधर उस पर कोई कार्रवाई नहीं, जितने भी काम वार्डों के हैं तो कम से कम वो तो सुने आप। वार्डों में हम पार्षदों की कोई समस्या नहीं, हम तो बैठ जाएंगे घर जाके, जैसे जो प्रतिनिधि मतलब पब्लिक जो आती है प्रतिनिधि के पास तो हम लोग परेशान होते हैं, उनसे आश्वासन देते हैं अब हो जाएगा अब हो जाएगा। अब कई जगह आप देखो तो पाइप लगे दिखेंगे, लाइटें चोरी हो रही वार्डों से, इनकी जिम्मेवारी कौन करेगा? बिल्कुल बराबर एकजुट है, सारे पार्षद एकजुट है। अभी मूर्ति विसर्जन हो रही है, गणेश जी विसर्जन हो रहे हैं तो उसमें लगे हुए हैं, कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं। भाई नगर निगम में हम अधिकारियों के खिलाफ बैठे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी और कई इतने अधिकारी हैं जिनको हमने लेटर दिए हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं है उन लेटरों पे। जी नगर आयुक्त से मिल चुके, वो तो 2 मिनट के बाद लेटर ले लेते, उसके बाद ठीक है आप कार्रवाई होगी। उसके बाद जी मेयर से अभी नहीं मिले, 2 दिन में अभी नहीं मिले, 2 दिन मेयर भाई वो आते शाम के टाइम। जी मेयर साहब से अभी नहीं मिले हम, 2